हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा चैनल आर्यन वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज एक नया वीडियो के साथ आया हूँ जो टेनर्जी यूजर के लिए है। टेनर्जी यूजर के लिए खुशखबरी है, आखिर में टेनर्जी में अपडेट आ गया। टाइम वेटिंग के बाद सितंबर 1st वीक में टेनर्जी में अपडेट दे दिया। टेनर्जी और डी में तो पहले से दे रखा था, टेनर डी में पहले से और ई में अगस्त का लास्ट महीने में दे दिया था। आप स्क्रीन में देख सकती है जो टेनर जी का अपडेट है, जिसका साइज है 1209.1 MB, जो अगस्त 2018 का और यो 8.1.0 है। इसी में डाउनलोड में क्लिक किया, डाउनलोड स्टार्टिंग हो गया मेरा मोबाइल में। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसे अपडेट करना है। पूरा प्रोसेस के साथ आप देखते रहिए मेरा फुल वीडियो। डाउनलोड करने से पहले ये बात का ध्यान दीजिए, बैटरी इसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्ट हुआ वाईफाई से 7:27 PM में, इसको थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ। उसके बाद 7:55 में मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट होने वाला है, 99% हो गया होगा। 7:57 में पूरा कंप्लीट हो गया, अभी रिस्टार्ट मांग रहा है। अभी तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा, अभी मैं मोबाइल से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिस्टार्टिंग का। देखिए रिस्टार्ट में कितना टाइम ले रहा है। ये मैं वाईफाई से डाउनलोड किया था, इसलिए मेरा आधा घंटे में डाउनलोड कंप्लीट हो गया था। डाउनलोडिंग स्पीड आपका नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको डाटा पूरा चाहिए, मतलब पूरा जितना वहाँ 1209 लिखा है पूरा डाटा चाहिए। ये मेरा स्टार्टिंग हो गया एंड्रॉइड, देखते हैं कैसे आ रहा है। ओ, इसके बाद और भी ऑप्टिमाइज हो रहा है शायद। इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट ठीक है होने दो। इसमें मुझे काफ़ी टाइम ही लगा क्योंकि बहुत सा सॉफ्टवेयर है मेरे मोबाइल में। आखिर में रिस्टार्ट होते मेरा आ गया एंड्रॉयड 8.1.0। ये एंड्रॉयड 8 का स्क्रीन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए अबाउट जी पोर्ट एनर्जी है 8.1.0, अपडेट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव ए कॉमेंट एंड ए लाइक। अगर आपका मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और आपका अभी तक अपडेट नहीं मिला तो भी कमेंट कीजिए। और अभी तक आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है।